योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से जेएमडी न्यूज के संवाददाता ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने अपने विभागों से संबंधित योजनाओं पर चर्चा कर बताया कि सभी योजनाओं में महिला और पुरुष दोनों को लाभ कैसे मिलेगा, इसको लेकर भी उन्होंने चर्चा की है। साथ ही साथ मछुआरा समाज के लोगों के लिए क्या कुछ खास है, देखिए इस रिपोर्ट में। योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से देखा गया कि लोकसभा चुनाव के बाद आपके विभाग में काफ़ी आप जो है इम्प्रूवमेंट करने वाले, किस तरह के क्या इम्प्रूवमेंट होना है? पहला इम्प्रूवमेंट कि हमारे विभाग का निर्देश जारी है कि लाभार्थी को अब ऑफिस में नहीं आना है, बल्कि मेरा विभाग लाभार्थी के घर जाएगा और जब तक वो अपने उस अपने योजना में कामयाब नहीं हो जाता तो कामयाब बनाने तक का हमारे विभाग की जिम्मेदारी है। उसे हम लोग शिक्षण प्रशिक्षण अपने अधिकारियों के माध्यम से, पोर्टल से, मत्स्य मित्र पोर्टल है उसके माध्यम से, अपने विभागीय जो लिंक है उसके माध्यम से हम लोग उसे जोड़कर उसे हमेशा करके उसे धरातल पर लाएंगे। महिलाओं के लिए भी आप बहुत सारी योजनाएं ले आ रहे हैं, अपने जो बिरादर के लोग हैं उनके लिए, मत्स्य विभाग में जो लोग जुड़ेंगे उनके लिए भी किस तरह से क्या? पुरुष तो किसी भी प्रदेश में जाके अपना रोजगार कर सकता है, लेकिन महिलाओं के लिए एक समस्या है कि अपने घर से बहुत दूर नहीं हो सकती, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसको घर पर ही उसको रोजगार दिया जाए। बैकयार्ड घर के पीछे ही एक 30-50 हज़ार की योजना है कि उसे 30 हज़ार सब्सिडी दे रहे हैं कि घर के पीछे एक 7 हज़ार का टैंक लगा ले और उसमें हम 30 हज़ार रुपये दे देते हैं। तो ऐसे में हम चाहते हैं तमाम महिलाओं के सशक्तिकरण की योजना ये है कि वो अपने घर पर रह कर बगल में ही अपना व्यवसाय कर सके और अपने विकास की मुख्यधारा में आ सके। उपचुनाव की क्या तैयारी है? निश्चित रूप से उपचुनाव की तैयारी जिस तरीके से होती है, कल 27 को कल सतीश और 28-29 को प्रदेश के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है और उपचुनाव के साथ साथ आगामी चुनाव पर भी उनकी रणनीति बनाई जाएगी और उनको उतारा जाएगा। तो बिल्कुल हमारे साथ मंत्री जी थे संजय निषाद जी, जो कि आप देखा गया कि मत्स्य विभाग में काफ़ी योजनाओं को जो है लागू किया जाएगा और उनको लाभ पहुंचाया जाएगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन सौरभ के साथ राजन सिंह, जेएमडी न्यूज़ के लिए।